काफी चाहिए। ये चंचल के बाद नहीं आती रहेगी ये। वाजी वाह। और गाइस तो भाई जीने दे भाई, तो टेंट कैंपिंग में यही दिक्कत है, और आवाज मुझे भौंकने जैसी लगी है, जैसे भालू की होती है ना। हाँ क्या खूबसूरत नजारा है, बढ़िया भाई यही खूबसूरत तो नजारा, जंगल है भी तो खतरनाक होते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए कैंपिंग ब्लॉग में। तो गाइस लोकेशन के लिए निकल चुके हैं, ट्रैक कर रहे हैं, और मेरे साथ आए देखिए आर्यन भाई। हेलो गाइस। और गाइस लोकेशन देखिए, नीचे पूरा खाई है, देखिए देखिए डीप फॉरेस्ट है, और हमें वहां सामने ऊपर जाना है। तो बस अपना ट्रैक करते हैं, और बस जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं, क्योंकि गाइस सनसेट भी हो चुका है, सीधा लोकेशन पे पहुंचने की। चलो आर्यन भाई। चलो बस यही लगा लेते हैं। हाँ यही लगा लेते हैं, बढ़िया लोकेशन है। हाँ ये डीप फॉरेस्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब कैंपिंग करने के लिए आए हैं तो डीप फॉरेस्ट है कुछ भी है। तो गाइस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, आज अपना यहीं पे कैंप लगेगा, और अंधेरा होने ही वाला है कुछ ही देर में, क्योंकि सनसेट हुए करीबन 10-15 मिनट हो गए थे जब हम ट्रैक करें, तभी सनसेट हो चुका था। बस चलिए जल्दी से टेंट को पिच करते हैं, उसके बाद आपको जगह एक्सप्लोर करूंगा कि लोकेशन कैसी है। लगा लो उस्ताद, देर मत करो, अंधेरा हो। फुर्ती है, मेरे साथ रहोगे तो शरीर में चटकी चाहिए, चटकी मतलब फुर्ती, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे लगे रहो, तुल्लक तुल्लक फुर्ते करो जल्दी, आराम से यहाँ काम नहीं चलता, अगर यहाँ आराम से काम करोगे तो रात को शेर खान को पकड़वा दूंगा। रात को शेर खान को पकड़वा दूंगा, अगर फुर्ती नहीं आई ना भाई के शरीर में, शेर खान को रात को ही पकड़वा दूंगा, क्योंकि शेर खान आएगा तो उम्मीद तो है। चलो बैग रखो सर, तो फ्रेंड्स टेंट अपना पिच हो चुका है जैसा आप देख रहे हैं। चलिए अब आपको लोकेशन एक्सप्लोर करता हूँ, थोड़ा लोकेशन के बारे में जानकारी देता हूँ कि लोकेशन खूबसूरत के साथ साथ कितनी खतरनाक है। और हाँ लकड़ी कलेक्ट करने के लिए भी जाना है, बोन फायर के लिए लकड़ी कलेक्ट करने के लिए भी जाते हैं, क्योंकि बिना यहाँ बोन फायर के जंगल में रुकना पॉसिबल नहीं है। तो चले चलो भाई। गाइस देखिए टेंट के पीछे की लोकेशन की कितनी भयंकर खाई है, ये देखिए ये अपने टेंट के पीछे का इलाका है सारा, ये उधर से ट्रैक करके आए थे हम ऐसे घूमते हुए, तब जाके इस लोकेशन में पहुंचे हैं। आ जाओ भाई, आन भाई आ जाओ। चलो भाई। हाँ ना लकड़ी भी तो लकड़ी अपनी आ चुकी है, ये देखिए। तो गाइस लकड़ी अपनी आ चुकी है बोन फायर के लिए, काफी है,
और भी कोशिश करेंगे ढूंढने की। तो गाइस बोन फायर जला दी है, बस अब अपना डिनर बनाना स्टार्ट करते हैं। और मॉल की बात करें, मॉल बहुत डेंजर हो चुका है, पटाखे पटकने की आवाज़ें आ रही हैं कि आसपास नीचे गांव में लेपर्ड या भालू होगा तभी पटाखे पटकते हैं। और सिचुएशन ऐसी है गाइस, पूछिए मत ना, बहुत ख़तरनाक है। तो चलिए, लाइटें जला रखी हैं हमने, आज हम एक पोर्टेबल इन्वर्टर लेके आए हैं, उससे आज लाइटें जला रखी हैं, मस्त है, एक नंबर। देखिए आप देख भी रहे हो कितना बढ़िया लाइट दिख रही है। तो चलिए बस अब अपना डिनर बनाना स्टार्ट करते हैं। डिनर में बना रहे हैं हम गाइस आज पास्ता। तो पहले मैं पास्ते को बॉईल कर लेता हूँ। पानी उठा दो, पानी दे दो। तो गाइस पास्ता भी लगभग बॉईल हो चुका है और प्याज भी अपनी कट चुकी है, बस अब मैं पास्ते का पानी निकाल देता हूँ। अब बनाते हैं अपने लिए पास्ता, तैयार करता हूँ मैं, फ्राई करता हूँ, सही है ना? हाँ। तो चलिए गाइस अब करते हैं पास्ता बनाना स्टार्ट। आर्यन भाई, हाँ, लेपर्ड आया कुछ भी आया चाहे बालू आया, हाँ, देखा जाएगा, वो तो है, देखा जाएगा, बस मन का भय है ना ये। वो मैं कहता हूँ ना आपसे के पीछे का खतरा है सबसे ज्यादा, पीछे से ही खतरा है, खाई से है तो पीछे से खतरा। एक चीज का ध्यान रखो हमेशा, अलर्ट रहना। हाँ, अगर वो आपको देखे उससे पहले आप उसको देख लो। हाँ, अलर्ट रहना जरूरी है और कान खड़े रखना जरूरी है भाई, सिर्फ उसकी आवाज से पता लगा लो बस। और गाइस क्या कहते हैं, यहाँ जंगली सुअरों का भी बहुत खतरा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जब हम नीचे से ट्रैक करके आ रहे थे नीचे खाई में करीबन 10 से 12 एक साथ जंगली सुअर घूम रहे थे। हाँ। अब डाल लेते हैं इसमें ऑयल, लेकिन ये है गाइस जंगली सुअर ऐसे अटैक नहीं करते, वो अगर हम उनके पास जाएंगे तो ही अटैक करेंगे। अब डाल लेते हैं इसमें प्याज, डाल दो। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये चन चन की आवाज नहीं आती रहेगी। आवाज आई ना? हाँ, ये तो पता नहीं लगी। ठीक है, तो आवाज किसी ने करी ठीक है। ठीक है, सही। चलो छोड़ो, आवाज को छोड़ो भाई, अपना जल्दी करो, तुम ध्यान रखो, ठीक है ना? यार जल्दी क्या, आराम से बनाएंगे यार, 10 बजे से पहले डिनर नहीं बनाऊंगा आज मैं, आराम से बैठ के यहाँ एंजॉय करो। आग जल रही है ना अपने पास, बोन फायर, जब तक बोन फायर जल रही है ना तब तक खतरा नहीं है, कुछ नहीं आएगा। तो गाइस अब इसमें डाल लेता हूँ मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इधर भी लाइट मार के रखो, थोड़ा सा मिर्च पाउडर और नमक, थोड़ा नमक गाइस पास्ता बॉईल करने में भी डाल दिया था। तो अब बनाते हैं आर्यन भाई पास्ता। पास्ता टॉर्च मारो इस पे जरा। आई 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 आई। और गाइस भाई जी ना देवे, ये तो चलिए बनाते फिर चलते जल्दी से टेंट के अंदर। सही कह रहे हैं गाइस, आवाज फिर आई है बहुत ज्यादा भाई, दो बार आ गई। टेंट कैंपिंग में यही दिक्कत है, और आवाज मुझे भौंकने जैसी लगी है, जैसे भालू की होती है ना। हाँ, इसमें डाल लेता हूँ टमाटो केचप। हाय 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 हाय, कलर आ गया इसका। तो चलिए गाइस अब करते हैं पास्ता सर्व अपना, और पास्ता खाते हैं,
मजे से, क्योंकि खतरा बरकरार बना हुआ है। जू का तू आवाज आ रही है पीछे से, तो पास तलवार भाई। ये देखिए गाइस, पटाखों की आवाज आ रही है गांव से, और ये पटाखों की आवाज तभी आती है जब खतरा होता है, जब खतरा होता है गांव में लेपर्ड या भालू आ जाता है। तो चलिए गाइस, अब अपना डिनर में पास्ता खाते हैं, काफी है और भी है। वाह जी वाह, चम्मच से ज्यादा ऐसे उठा कर खाने में मजा आ रहा है। सही है ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बढ़िया हो ना? मजेदार। और बताओ? बस बस ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, टेंट में घुस जाए उसके बाद टेंशन नहीं है भाई। हाँ, अब देखो कैंपिंग करनी है, अब डेली यही प्रॉब्लम है अपने सामने सामने, ये डेली का है। अब इसको तो आदत सी हो गई है लेपर्ड वालों की, तो आदत हो गई। तो चलिए गाइस, डिनर को फिनिश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस डिनर अपना हो चुका है, आग जली रहने देते हैं। हाँ, आग जली रहने दो, सामान को यहीं छोड़ दो, टेंट में चलते हैं बस। हाँ बस गाइस, अब अपना टेंट में चलते हैं, कोशिश रहेगी कि आग जलती रहे, क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा है लेपर्ड और भालू का। तो चलो बस स्टैंड में चलते हैं, रख दो प्लेट वेट अपनी, है ना? सामान तो ऐसे ही रहने दो। हाँ सामान रहने दो, लाइट भी जलने दो यार। हाँ लाइट जलने दो भाई, है ना? हाँ सेफ रहेंगे। चलो आ जाओ, ध्यान रखो, चलो आ जाओ, कोई नहीं। टेंट के अंदर आ चुके हैं अपना आराम से, देखिए आर्यन भाई सो रहे होंगे बस। हाँ भाई नींद आ गई अब तो। तो गाइस टाइम भी काफ़ी हो चुका है, काफ़ी देर हो गई टेंट के अंदर हुए भी, आराम से लेटे थे, बस अब सोते हैं। अपना स्लीपिंग बैग निकाल लो बस, अब बैग में से मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। आवाज आ रही बार बार, बालू की आवाज़ आ रही है बार बार। मैंने तो चक्कू भी ले रखा है, चुप रहो चुप, बार बार आवाज आ रही है। ओ भाई क्या हो, ओ भाई होगा, ओ भाई पीछे ही है, पीछे ही भाई, चक्कू पीछे ही है, ओ भाई पीछे ही है, ओ भाई ओ भाई ओ भाई क्या है वो भाई, मैं आवाज से तो नहीं आ रही है, भागोगे यहाँ से, भाग के पकड़ लेगा रास्ते में। हाँ क्या करो, ओ भाई बम भी फूटे भाई, पक्का भाई भाई ये तो है, ये नीचे से भाग के आया है, मुझे लगता है और भी है कुछ ना कुछ, हो सकता है लेपर्ड भी हो, कुछ नहीं पता भालू के साथ में, लेकिन ये तो भालू है, लेकिन जहाँ पटाखे फूट रहे हैं वो अलग। पीछे मत बैठो, टेंट के बीच में रहो, शांति रखो, मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही ना। आवाज है, सिर को पीछे रखना थोड़ा, टेंट हिला रहा है हमारा, पक्का भालू ही है।
अब हम सोन नहीं मचाएंगे, डरना हमें है नहीं, क्योंकि इसके सामने डर गए ना तो उतना ही ज्यादा रिएक्ट करेगा, ये सोचेगा ये डर रहे हैं, डरना नहीं है, ज्यादा परेशान करेगा, आग भी हो सकती है। अभी टाइम ही क्या हुआ यार, अभी तो 12:10 है, आग पक्का जल रही होगी, अभी हमारी लकड़ी बहुत सारी थी, मैंने तेज कर दी थी आग। कोई नहीं, लेटो, अगर ये ज्यादा परेशान करता ना तो आग को तेज कर देंगे, और सोते नहीं है फिर, अगर बाहर हुआ तो हाथ में आग ले लेंगे। चलो तो गाइस देखते हैं क्या होता है, फिलहाल लेटते, खास मत, फिलहाल लेटते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, शांत पड़ के देखते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो सुबह हो चुकी है और जगने में लेट हो गए, 7 बज चुके हैं, सनराइज भी हो चुका है गाइस, और ठंड इतनी भयंकर है पूछिए मत ना, आसपास लोग भी आ चुके हैं जो काम करने के लिए जाते हैं, पहाड़ों पर लोग काम करते हैं, वो भी लोग गुजर रहे हैं पास से ही। अब अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, रात की बात करें पता नहीं क्या था, शायद भालू था, बहुत परेशान किया, लेकिन हम टेंट से बाहर नहीं निकले, अपना टेंट में आराम से थे तो सेफ थे। अब सुबह हो चुकी है, कोई खतरा नहीं है, बस एक मस्त ग्रीन टी बनाते हैं क्योंकि ठंड है तो ग्रीन टी मज़ा देगी। गला भी थोड़ा जाम सा हो गया है, रात पास्ता खा के ऐसा लग रहा है जैसे कोल्ड सा हो जाता है, तो एक ग्रीन टी बनाते हैं। चलो भाई ग्रीन टी स्टार्ट करो। गाइस मज़ा आ गया ग्रीन टी पीने में सुबह सुबह ना, और ठंड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है आज तो, टेंट भी पूरा गीला हो चुका है, इतनी रात को ओस पड़ी है। बस अब अपना ग्रीन टी को एंजॉय करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही नई कैंपिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।